अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतना कम खाना, बीजी ने तो बहुत सारा खाना बनाया था, इतना कम कैसे हो गया? संजय जी, वो क्या है कि लंचवा में ना हम सिर्फ हवा खाना पसंद करते हैं, इसलिए हम शौकीन है थोड़ा फिटनेस के ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमें ऐसे क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है? रसोई में जाकर कुछ और बना लेते हैं। सर, कतई क्लैपिंग योग्य गया खाना था। अब कुछ काम की बात कर ले। जी जी बिल्कुल। तो हम डील को साइन करें? हाँ सर, फाइल। ये लोग तो हे गंगा मैया, ये लोग तो वही गुंडे हैं। कहीं ये कागज वही जाली कागज तो नहीं है? साइन करिए, इससे गलती हो गई है, इसकी गलती हम सुधार कर आते हैं। आप साइन करिए। राणा, पापा नहीं। साइन मत करिए पापा। राणा, गलती आप कर रहे हैं। हम सर जी हैं। सर जी, अगर आपने इन लोगों को नहीं रोका तो आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। हमारे पास कोई और चारा नहीं है। पापा रुकिए। ये पापा देखिए, ये कागज भी जाली होंगे। पापा, हमने कल इन लोगों को देखा था, ये जाली कागज बनवा रहे थे। छोड़ उसे। मैं इसने हमें काटा था। कतई जंगली बिल्ली, देखो। पापा आप साइन करिए, हम इसे देखते हैं। हम तो घर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर ही जावते हैं। तब पता नहीं कहा हो गया वो लड़की को, काहे कंफ्यूज आ गई। आप साइन कीजिए। आप ये लीजिए सर, आप साइन कीजिए। पेन,
पेन किधर गया? तुम कहाँ मेरी रामायण सुना रही हो? तुम चुपचाप बैठकर तुम्हारी बातें सुने। हम जब बीमार थे तुम अपनी हर बात मनवाकर हमारा फायदा बहुत उठाए हो। अब हम ठीक हो चुके हैं, तुम्हारी एक ना सुन रहे। ऐसी बात आप कैसे कर सकते हो राणा? से बदला लेने का सोच रही हो ना? नौकर जो बना के रखे हैं तुमने, बदला लेने का सोचना भी मत, वरना इसका जैसे नक्शा बदले है ना, वैसे ही तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। डोंट माइंड, लेकिन मीठी अपनी किस्मत खुद लिखती है। हमने आपको दोस्त माना, हमने आपसे प्यार दिया। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा साथ, तुम खुद हमें गले का फंदा लगती हो। तुम गंगा की धार होंगी, पर हम वो आग है जो पानी को भी जलाकर भाप करते हैं। काम में हाथ चलाती हुई अच्छी लगती है, जबान नहीं। सब लोग कहाँ चले गए? हीरोइन, मामा, मामी, हीरोइन, दिव्या, हीरोइन दिव्या पी, काकी, लच्छू, बेबी, दिव्या, बेबी, परिवार गया था। जाओ, लड़का लियो, इधर अरे जा। त्रिपाठी, बहुत बड़े कारोबारी हो ना, चलो बताओ तुम्हारे बेटे की जान की क्या कीमत है, बताओ। बोल। नहीं बता पा रहे? कोई बात नहीं, हम मदद किए देते हैं। वो देखो, देखो, देखो।
तुम्हारे बेटे की जान की कीमत है तुम्हारे साइन। चलो कीमत अदा करो, चलो चलो चलो, वरना वो जो बंदूकबाज है ना हमारा, उसका निशाना नहीं चुकेगा। बाहर कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? ऐसे लग रहा है कि घर में कोई है ही नहीं। गंगा मैया, गुंडों ने हमारे घर वालों को पकड़ के रखा है। संतान ही असली संपत्ति होती है त्रिपाठी, फुर्ती से ना साइन कर दे और अपना फैक्ट्री हमरे नाम कर दे। बेटे को बचा ले, ये ले साइन कर, जल्दी कर साइन कर, साइन कर। फैक्ट्री देकर तो इस परिवार के पास 10 रुपए की भी हैसियत नहीं रहेगी। मैं इन कंगालों से 10 करोड़ थोड़ी लूट पाऊंगी। अनूठे काम तो हम ही कर सकते हैं। तो ये कौन है? गंगा मैया, मां, बाबा, ये आवाज कहां से आई? सुधरोगी नहीं ना? गुंडों का सामना तो थोड़े बिगड़ी लड़कियां ही कर पाती है। कौन से गुंडे? हाँ, कौन से गुंडे? तुम्हारी बकैती में कभी फुल स्टॉप नहीं लगता का? झूठ बोल के अपना मुंह चुप चुप चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। हमारे पास अब से लड़ने का टाइम नहीं है। हम आटा नहीं है, बेलन नीचे करो। पकड़े से बेलन पकड़ना औरतों का काम है, हमारा नहीं। आप फिर शुरू हो गए। इसे देखिए, गंगा की धार की रफ्तार से हमारी बात सुनिए, वरना गंगा मैया की कसम हमारा दिमाग फिर से फैल जाएगा। पकड़िए इसे, पकड़िए, अंदर काम आएगा। अगर अगर वाकई अंदर गुंडे हैं, इस बेलन से क्या होगा?
इस बेलन से एक औरत अपने परिवार की भूख से लड़ जाती है। अपनों को दो सादी रोटी खिलाकर भूख मरी गरीबी तक से लड़ जाती है, तो ये तो दो कौड़ी के गुंडे हैं, इनसे तो लड़ ही सकती है। एक ही बेलन से हमने इस चाकू से सब्जियां बहुत काट ली। आज हम उन गुंडों के पूरे इरादों को काट के उनके टुकड़े कर देंगे। इस कर्ची से हमने दाल बहुत परोस ली, हमारे परिवार पर पूरी नजर डालने के लिए आज हम उन्हें सजा परोस देंगे, और इस पलटे से तो हम उन्हें ऐसे पलट देंगे और ऐसे खींच के मारेंगे कि अपने घर से वो उल्टे रास्ते भाग जाएंगे। चलते हैं, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए औरतों का काम करने जा रहे हैं। हर हर कंगी। त्रिपाठी, सराफत से सिग्नेचर कर देना चाहिए था। अब हमारे हाथों से खून बहेगा। केशव जी, बहता पानी है और त्रिपाठी परिवार का खून पानी नहीं है। जो इतनी आसानी से बह जाए, चलिए कम से कम अभी तो आपको एहसास हुआ कि ये लोग गुंडे हैं। तुम्हें इसी वक्त लड़ना है। अबे, एलन बेलन से मारेगा हाँ? शेर को चूहों से लड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी दहाड़ी काफी है। लेकिन फिर भी लड़ना है तो आओ। आज देखते हैं तेरी दहाड़ कहां तक जाती है। किसी को छोड़ना मत हजूर। हमारे खानदान पर तुम बंदूक तानोगे? हम्म,
आप लोग ठीक हो? जीजा जी, जरा थाने तो फोन करिए। हेलो पुलिस स्टेशन, फोन काट दो वरना सबको फोन दूंगा।